एषा घोर तमा वेला, घोराणाम घोर दर्शना। यह जो घोर तम वेला है, संध्या वेला, इस वेला में कभी भी सूर्य ग्रहण का अवसर हो, संध्या सुबह की संध्या, शाम की संध्या हो, सूर्य ग्रहण हो, चाहे व्रत का समय हो, इन समयों में और प्रतिपदा तिथि हो, इन सब समय में कभी भी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, समागम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। कहा कि चरंती यस्याम भूतानि भूतेषु अनुचराणि यह, अर्थात इस वेला में क्या होता है, इस वेला में भूत प्रेत गण चरण विचरण करते हैं, हाँ, और वो जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते, लालायित रहते, इस समय उनको मौका मिलते ही प्रवेश कर जाएगा गर्भ। इसलिए देवी इस समय बिल्कुल नहीं करना। चार कर्म जो है संध्या काल में वर्जित है, क्या क्या मालूम है? आहारम मैथुनम निद्रा, आहार यानी भोजन करना, कभी सूर्यास्त के आसपास में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैथुन, समागम स्त्री का मिलना। तीसरा है निद्रा, इस समय में शयन नहीं करना चाहिए, जब सूर्योदय का समय, इसलिए संत कहते हैं सूर्योदय से पहले जगो। यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो जीवन में, तो सूर्य के निकलने से पहले जगना सीखो। घोड़ों से तेज रफ्तार भागना चाहते हो तो घोड़ों से तेज दौड़ना सीखो। यदि घोड़ों से भी तेज चलना है आगे आपको, तो घोड़ों से तेज दौड़ना सीखो। हाँ, केवल घोड़े का चित्र घर में लगा देने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, घोड़े की तरह तेज चलना सीखिए। आहार मैथुनाम निद्रा। चौथा क्या है बोले, स्वाध्याय चापि गरिता। स्वाते है ना, तो संध्या काल में उसको पढ़ने मत देना। अक्सर संध्या काल में बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, तो माता पिता को भी चाहिए संध्या सूर्यास्त के 20 मिनट आगे, सूर्यास्त के 20 मिनट पहले। आप जब अखबार पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय, आप देख सकते हैं। आजकल मोबाइल सबके पास है, आज लिखिए आज का सूर्यास्त कितने बजे, आपको मालूम पड़ेगा। ये संध्या वेला, इस समय में हमारे प्राचीन परंपरा है कि माताएं दिया जलाती है भगवान के पास, जलाती है कि नहीं? हर दिन दिया जलाना चाहिए,